तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको चमथा संझापुर के बारे में बताऊंगा और चमथा के बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो आपको बस एक ही काम करना है, इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में आपको एक घंटे का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, तभी तो आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चमथा जो गाँव है वो बेगूसराय जिला में स्थित है। अगर बात की जाए तो बेगूसराय के अलावा यह समस्तीपुर और पटना जिला में भी यह गांव आता है। और यहां पर बात की जाए तो यहां इसकी जनसंख्या जो काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, और यहां पर 3 पंचायत है, इस कारण से इसका जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। और यहां की जनसंख्या लगभग 30,000 से भी ज़्यादा है। पुरुष की जनसंख्या ज़्यादा है और महिला की जनसंख्या कुछ हद तक कम है। इसके अलावा साक्षरता की बात की जाए तो साक्षरता की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है और यहाँ की साक्षरता जो है लगभग 75% के आसपास है, जिसमें पुरुष की साक्षरता ज़्यादा है और महिला की साक्षरता कम है। बात की जाए तो यहाँ पर दो कॉलेज है दोस्तों। यहाँ पर एक कॉलेज है SNNR कॉलेज और एक कॉलेज है UT कॉलेज। तो यहाँ पर जो UT कॉलेज है, उससे मैंने भी UT कॉलेज से ही पढ़ाई की थी, क्योंकि UT कॉलेज में पढ़ने के लिए बहुत दूर दूर से विद्यार्थी आते हैं, जैसे बेगूसराय से, समस्तीपुर से, हाजीपुर से, छपरा से, तो बहुत सारे दूर दूर से विद्यार्थी आते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है। इसके अलावा जो हाई स्कूल है SNNR हाई स्कूल, वो भी काफ़ी अच्छी है बच्चों के लिए, जो हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं, 9th और 10th की क्लास उसमें चलती है। इसके अलावा कई सारे छोटे छोटे स्कूल भी हैं और कोचिंग संस्थान भी है, तो पढ़ाई करने के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है चमथा। और यहाँ पर खेती की बात की जाए तो यहाँ पर खेती काफ़ी अच्छी होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर की जो मिट्टी है वहाँ पे बाढ़ काफ़ी ज़्यादा आती है और आपको पता हो कि जहाँ पे बाढ़ आती है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी काफ़ी ज़्यादा होती है और वो बांगर मिट्टी होती है। दो तरह के जलोढ़ मिट्टी होती है, उसमें एक खादर और एक बांगर मिट्टी होती है। तो यहाँ पर खादर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है और यहाँ पर गेहूँ, उसके अलावा सरसों, आलू, बहुत सारी चीज़ की खेती होती है, अरहर ये सब की भी खेती होती है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये काफ़ी समृद्धशाली और हरा भरा गांव है। यहाँ पे हरियाली काफ़ी ज़्यादा, जैसा कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ पर केला का पेड़ लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो ऐसा लोकेशन लेने का तात्पर्य यह था कि यह लोकेशन जो है काफ़ी अच्छा है। कुछ लोग को लगता है कि मतलब ये खेत खलिहान का वीडियो नहीं, खेत खलिहान का जो वीडियो होता है वही प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है और यहाँ पर काफ़ी अच्छे दृश्य जो होते हैं देखने को मिलते हैं, तो आप ये भी मेरे पीछे देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर खेल के मैदान भी है और यहाँ पर तैयारी काफ़ी अच्छी होती है खेल की, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको पल पल की सारी अच्छी अच्छी जानकारी मिलते रहें।